सिंह का गाना राजस्थानी घाघरा आया भी छाया भी, और अब 4 दिन हो गए हैं इस गाने को रिलीज़ हुए। तो इस गाने का व्यूज़ लगभग 2.8 मिलियन यानी कि 3 मिलियन तक पहुंच चुका है। खैर, आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि किस तरह से राजस्थानी घाघरा जब रिलीज़ हुआ और उस पर रिपोर्ट पे रिपोर्ट की गई और गलत रिपोर्ट की गई, तो इसकी वजह से इस गाने को कितना लॉस हुआ। खैर, बहुत सारे व्यूवर्स नहीं जानते कि रिपोर्ट मारना क्या होता है, किसी गाने को रिपोर्ट करना क्या होता है। तो हम आपको बता दें कि YouTube पे जब आप कोई भी वीडियो चलाते हैं तो उस पर ऑप्शन आता है रिपोर्ट करने का। ये आपको बता दें यहाँ पर कि ये हमेशा के लिए अच्छे के लिए होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ पीपल इसे मिसयूज़ करते हैं। आप अगर अपने कंटेंट, अगर आपको लगता है कि जिस वीडियो को आप देख रहे हैं उसमें आपका कंटेंट है या चोरी का कंटेंट है या किसी प्रकार का वो कंटेंट है जो वायलेंट पैदा कर रहे हैं, हिंसा पैदा कर रहे हैं और किसी को प्रोवोक कर रहे हैं, किसी के जातिगत तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं, तो आप रिपोर्ट कीजिए। यूट्यूब उस पर क्या कार्रवाई करेगा? तो आपको बता दें कि अज्यूम कीजिए कि आपने, यानी आप मान लीजिए कि कोई वीडियो पर कुछ लोगों ने एक साथ रिपोर्ट किया और वो वीडियो बहुत अच्छा जा रहा है। मान लीजिए कि आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं रिपोर्ट कीजिए और ये वीडियो एक घंटे में तकरीबन 20 से 30 हज़ार व्यूज़ गेन कर रहा है और आप रिपोर्ट पे रिपोर्ट किए जा रहे हैं कि ये इस वीडियो में कुछ आपत्तिजनक चीज़ें हैं जो नहीं दिखाई देनी चाहिए, और या फिर इस पे जो कंटेंट है वो कॉपीराइट के तहत आता है, तब YouTube एक कार्रवाई करता है। तो उस वीडियो को YouTube डाउन करता है, यानी कितना डाउन करता है, तब YouTube उसको पूरी तरह से अपनी टीम के साथ, जो उनकी टीम रहती है, बहुत सारी टीम है उनकी, और उस टीम के साथ उस वीडियो को देखता है, एनालाइज करता है, और धीरे धीरे अगर आपका ये वीडियो जो देख रहे हैं आप हमारा वो फर्स्ट नंबर पर चल रहा है तो उसको सेकंड लाएगा, फिर थर्ड लाएगा, फिर फोर्थ लाएगा, फिर फिफ्थ लाएगा, और ऐसे करते 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 जब आप सर्च करने जाएंगे हमारा वीडियो तो वो आपको नहीं दिखेगा। ये रिपोर्टिंग हमेशा अच्छे के लिए की जानी चाहिए यूट्यूब पर, लेकिन हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के कुछ बहुत ही प्यारे लोग हैं जो इस तरह की रिपोर्टिंग करके सामने वाले क्या गाना उसको इतना डाउन कराते हैं कि उसका व्यूज़ वाइज, उस दिन व्यूज़ वाइज काफ़ी कम हो जाता है। ये होता है रिपोर्ट मारना, क्योंकि काफ़ी लोग ये हमसे पूछ रहे थे कि रिपोर्ट मारना क्या होता है, इससे किस तरह से हानि होती है गानों को। तो ये रहा, हमने आपको बता दिया कि ये इस तरह से हानि होती है, लेकिन ये आजकल भोजपुरी में चलन हो चुका है। अगर आप पवन के फैंस हैं तो आप खेसारी के गानों को रिपोर्ट मारते हैं, और खेसारी के फैंस हैं तो पवन के गानों पर रिपोर्ट मारे जाएंगे, और यहाँ तक कि रितेश पांडे के अगर फ़ैन हैं तो आपको खेसारी के फैंस रिपोर्ट मारेंगे। और आजकल रितेश और खेसारी में जिस तरह का 36 का आंकड़ा चल रहा है, उसे देखकर यही लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जो कि आजकल गानों की बदौलत चल रही है, जी हाँ, भोजपुरी इंडस्ट्री जो गाने की बदौलत चल रही है, उसके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है कि इस तरह से अगर हुआ तो कहीं जो एक प्लेटफॉर्म भोजपुरी को मिला है यूट्यूब के माध्यम से, वो भी उसे छिन न जाए। खैर, हम बात राजस्थानी घाघरा की कर रहे थे, तो हम आते हैं राजस्थानी घाघरा की ओर। इस गाने पर भी लगातार रिपोर्ट पर रिपोर्ट मारी गई और ये गाना बहुत ही कम व्यूज़ के साथ, जिस दिन ये रिलीज़ हुआ बहुत ही कम व्यूज़, कहाँ लोगों ने सोचा था 4 से 5 मिलियन व्यूज़ हासिल होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस गाने को मुश्किल से 1 से 1.5 मिलियन व्यूज़ हासिल हुआ, जी हाँ, जो कि सुनने में भी काफ़ी अटपटा लगता है, क्योंकि इस गाने का इंतज़ार पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री को था कि क्या कुछ नया लेकर आ रहे हैं पवन सिंह। बहुत ही अच्छा गाना लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, और है भी गाना अच्छा, ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन इस गाने पर इतना रिपोर्ट किया गया कि उस दिन इस गाने का व्यूज़ नहीं बढ़ा, लेकिन अब ये गाना बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, जी हाँ, बड़ी ही तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और इस गाने के लिए आपको ये बता दें,
व्यूज़ बहुत ही तेज़ी से आ रहे हैं। खैर, जिन लोगों के मन में क्यूरियोसिटी थी कि रिपोर्ट मारना क्या होता है, किस तरह से किसी गाने को रिपोर्ट मारकर उसकी वैल्यू घटाई जा सकती है, व्यूवरशिप घटाई जा सकती है, तो हमारा ये वीडियो उन्हीं के लिए था। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।